mysterious birds phenomenon at Jatinga starts. इस वक्त हम मौजूद हैं जाथिंगा में, और जाथिंगा खास करके सीरिया जो आने का वजह से बहुत मशहूर है, देशों भर में दुनिया भर में मशहूर है। सभी पता है जाथिंगा कौन सा जगह है और क्या जाथिंगा में खास बात, क्यों जाथिंगा को लोग जाना जाता है। और जाथिंगा इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे चिड़िया आते हैं, और आज हम लोग कोशिश करते हैं कि चिड़िया को देखने के लिए और रात में बैठने से अगर वेदर चेंज नहीं हुआ तो मिल सकता है, मतलब जरूर हम लोगों का अगर लगा अच्छा हुआ तो अच्छा। और आज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ये आज की रात में स्पेशली आज का जो वेदर, अगर वेदर ने हमको साथ दिया, वक्त ने हमारे साथ साथ दिया, तो ज़रूर आप लोगों को भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेगा और दिखाने में भी कामयाब होगा मुझे लगता है, और साथ ही साथ हम खुद हम लोग भी देखने मिलेगा बोल के आशा करता है। और इसके साथ हम और आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे जो चिड़िया आने का वजह कैसा कैसा है और किस तरह हम लोग वेट करने वाला को भी आपको दिखाते जाएंगे। The birds lover, including tourists from various places, watched the arrival of winged guests of Jatinga during this much awaited mysterious bird phenomenon of Jatinga. The mysterious bird phenomenon has made Jatinga, only 9 kilometers from Haflong, the district headquarters of Dimma Hasaw in Assam, world famous for the peculiar behavior of migratory birds that occur during the months of September to November. आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जाथिंगा में किस कैसे चिड़िया आते हैं और चिड़िया आने का साथ में कहाँ रुकता है, और इस वक्त हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त हम एक गच्ची के ऊपर में उन लोग करते हैं सबको, ये उसको दिखाने की कोशिश करें। ये है किंग फिशर, और बहुत सारा वेराइटीज यहाँ में चिड़िया आता है, लेकिन उसके साथ एक किंग फिशर है, ये किंग फिशर का चिड़िया है, और आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टिबुल से शूट मारने के बदले में कैमरा से शूट करके साफ करने से अच्छा है। ये इसको क्या चेहरे बोलता है? ये हम लोग खासी भाषा में मासंगा बोलता है, और इंग्लिश में किंग फिशर। हालांकि आप लोगों में दिखाने का, तो मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ये एक ठीक मेरे ऊपर एक गच्ची के ऊपर आप देख सकते हैं, ये किंग फिशर है, जो जहाँ बहुत आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है। काफ़ी वक्त से हम लोग यहाँ पे रुका हुआ था उसको देखने के लिए, और अभी इसका हम लोग बहुत खुश हैं जो उस चिड़िया को देखने की कोशिश करा और देखने के The arrival of birds, mostly Indian pitas, kingfishers of two variety, common murrain, Drango, green pigeon, started yesterday night at about 7:40 p.m. and lasts for several hours as the condition of weather was quite favorable. The birds, mostly aquatic, from various places, throng all few specific locations near Jatinga under some specific weather conditions like moonless night, heavy fog, drizzling, and the southwest direction of wind. Though there has been degradation in numbers of visiting birds due to environmental and climatic change, but the enthusiasm of birds lovers are still there to witness this particular phenomenon. Though it is said that the birds were being killed for meat earlier, but now not a single bird is being killed, as the churches, NGOs and several other organizations have been actively creating awareness about the conservation and preservation of wildlife environment.
ये जो जठिंगा में पहले लोग बोल रहा था यहाँ का चिड़िया को मार के खाते थे, मतलब काफ़ी सारा चिड़िया था, आजकल कैसा है? आजकल आदमी का एटीट्यूड तो चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि चिड़िया मारना, जानवर मारना ठीक नहीं बोल के वो लोग खुद अपना से भी एक्सपीरियंस है क्या क्या होता है, तो लोग आजकल नहीं मरता है। आजकल पूरा कमती हो गया, पूरा कमती हो गया। क्या आजकल क्या चिड़िया भी आना कमती हो गया? नहीं, चिड़िया भी आना कमती हो गया। अच्छा, पहले कैसा आता था, आजकल बहुत कमती हो गया? पहले तो हम लोग बचपन के टाइम में तो एकदम बटरफ्लाई के जैसे आता है। अच्छा। लेकिन आजकल तो लाइट भी ज़्यादा हो गया टाउन का जैसे। हाँ। और हमारा ख्याल में वेदर और क्लाइमेट चेंज भी होता है। जब से बिजली लाइन आया और आपको क्या महासड़क, और फिर भी हम लोग का रॉड कलेक्शन, पत्थर कलेक्शन, नदी से भी उस सबसे भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ हम लोग का वेदर का या हम लोग का क्लाइमेट का या हमें, उसकी वजह से काफ़ी सारा चिड़िया आना भी कमती हो गई। कमती हो गया, गर्मी भी ज़्यादा हो गया पहले से। पहले से ये आपने बताया कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी यहाँ पे चिड़िया कमती आना शुरू हो गई। कमती क्लाइमेट चेंज है और हम लोग का चार्ज लेवल से भी हम लोग का शिक्षा मिलता है और मना गया है, और क्या जानवर और चिड़िया मारने के लिए मना गया चार्ज में भी हर समय में, ये सितंबर महीना में हर समय में इकोलॉजिकल के बारे में हम लोग का चार्ज सब्जेक्ट में भी हम लोग लेता है। अच्छा। External Sengsai, a local resident of Jatinga, said from his childhood that mysterious birds phenomenon is being witnessed and many birds like Britain, egret, kingfishers of various color and sizes, moorhens, quail, drango and Siberian birds visited Jatinga during September to November every year. But now the number of birds has decreased remarkably, perhaps due to drastic changes in environment and other factors. For conservation and protection of these winged guests of Jatinga, right from churches, NGOs and civil societies have organized awareness campaigns to create awareness among the masses. नहीं क्या था ठिंगा में? पहले के जैसे तो नहीं आया, कमती आता। लेकिन आने को तो आता ना? नहीं आता, आने का होता है। हम लोग बचपन का समय से भी ये सितंबर महीना से शुरू है। हाँ। इस साल भी तो एक दो ठू तो आया। अच्छा, इस पर क्या क्या आया आपने देखने में? हमारा बच्चा लोग से तो देखा है, किंगफिशर एक बार आया। हाँ। और हुटपिटा भी आया। हुटपिटा आया।